हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बहुत बड़ा ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलेगा। मंजरी करेगी सारी की सारी हदे पार अक्षरा को अभिमन्यु से दूर करने के लिए। जी हाँ, मंजरी चलने वाली है सबसे घिनौनी चाल। क्या करने वाली है मंजरी और क्यों पहुंची है वो एक बड़े हॉस्पिटल में देने के लिए करोड़ों का चेक, चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु छोड़ चुका है अपने ही बिरला हॉस्पिटल को। जी हाँ, फैमिली बिजनेस हॉस्पिटल सब छोड़ दिया है उसने, क्योंकि महिमा ने उसके अस्पताल के चैरिटेबल फंड से वीआईपी क्षेत्र जो खोल दिए और अभिमन्यु इसके खिलाफ है। यहाँ पर महिमा ने उसको साफ साफ बोल दिया कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो नौकरी छोड़ दो, मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट को छोड़ दो। अभिमन्यु छोड़ देगा मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट को और ये पूरी की पूरी जो चाल होगी ये पार्थ ने रची होगी। महिमा उसकी बात मान लेगी और अब यहाँ पर जब ये बात मंजरी को पता चलेगी कि उसके बेटे के पास कोई भी काम नहीं है और वो दर बदर नौकरी ढूंढ रहा है, तो वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाएगी, उसे चेक देगी करोड़ों का और ये कहेगी कि आप मेरे बेटे को यहाँ पर नौकरी दे दीजिए और साथ में एक और काम करिएगा, जब यहाँ पर मेरा बेटा आए तो आप उसकी जमकर बेइज्जती करना और कहना कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें नौकरी पर रखने के लिए मुझे करोड़ों का चेक दिया था, तुम्हारा रिश्ता गोइंकास से है ना, गोइंकास ने ही ये चेक मुझ तक पहुँचाया है और जब तुम गोइंकास के जमाई राजा हो तो भाई तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो अब प्रोफेशन को भी खरीदने की कोशिश कर रहे हो। वेल, इस तरीके से मंजरी अब अक्षरा को बदनाम कर रही है जिससे वो अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में हमेशा के लिए दरार ले आए, क्योंकि मंजरी को पता है कि उसका बेटा कितना स्वाभिमानी है। वेल दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या मंजरी होगी अपनी चाल में कामयाब? वेल, आप हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।